दो राज्यों को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे पुल पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पर चंद मुनाफे के लिए दूसरों की जान खतरे में डालने वाले खनन माफिया कुछ ही दूरी पर खनन कर रहे हैं। जबकि नियम अनुसार जहां पर पुल बनाया जा रहा है उससे 500 मीटर की दूरी पर ऐसी गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं, लेकिन यमुनानगर में खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे दिन के उजाले में ही यमुना नदी के सीने को चीर कर खनन कर रहे हैं। देखिएगा, ये 100 करोड़ से अधिक का हरियाणा सरकार का एक तोहफा था इस क्षेत्र को, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को, कि जो किसान है वो इस पुल के माध्यम से अपने खेतों में जा सके। और पुल के एक नियम है कि पुल के जो समीप जाकर के कोई भी खनन एजेंसी खनन नहीं करेगी। इस बारे सन 2018 में विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि पुल को जो है इन खनन एजेंसियों से खतरा है, और दो खनन एजेंसियों की सिफारिश भी की थी कि इनको तुरंत प्रभाव से इन पर रोक लगाई जाए। तो देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी नजदीक आकर के मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही ये खनन हो रही थी यहाँ पर जब हम लोग यहाँ आए। तो देखिएगा, अभी इन्होंने थोड़ी दो चार मिनट से ये रोक दी है, ताकि हम यहाँ खड़े हैं तो इसलिए रोक रखी है। ये नियमित पुल के पास आकर के खनन कर रहे हैं, और देखिएगा, पुल के पास खनन करना पुल की सुरक्षा को खतरा है, आम जन की सुरक्षा को खतरा है। अगर कल को कोई बड़ा हादसा खुदाई की वजह से पुल को होता है और कोई जानी माली नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये नगली घाट है जी, और गतिविधि तो बहुत यहाँ पर धीमी चल रही है इसकी, क्योंकि ये पुल का निर्माण कम और खनन का ज़्यादा करता है जी ये काम, क्योंकि ये पुल का जो निर्माण है उसको तो कम करता है कंस्ट्रक्शन कंपनी, और खनन का ज़्यादा करता है, क्योंकि रेता निकालता है उसको बेचता है। क्योंकि आप देखेंगे, आज भी आप आए हैं मौके पर, यहाँ पर बिल्कुल भी पुल का निर्माण कार्य नहीं चल रहा, और 2-3 बार एक्सटेंड इसने अपना टाइम करवाया है, और किसानों को आने जाने में समस्या हो रही है और आम जन को भी समस्या हो रही है, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर रहा है टाइम पे। तो पहले यहाँ क्या स्थाई पुल बना हुआ था? हाँ जी, स्थाई पुल था साथ में। तो ये हरियाणा की जमीने पड़ती है, हमारा काफी रकबा हरियाणा का उधर पड़ता है जी, किसानों को आने जाने में परेशानी थी, इसलिए हरियाणा सरकार ने पुल के निर्माण के लिए 100 कुछ करोड़ रुपये यहाँ पर लागत से पुल बनाने का कार्य चालू करवाया सर। लगभग 1.5-2 साल के करीब का इसको समय दिया गया था जनाब। इसमें कितने देर होगी इसको बनते हुए सर? ये तो काफी टाइम हो गया सर, इसको कम से कम भी 3 से 4 साल हो गए। क्या वजह है, क्यों कंप्लीट हो रहा? ये रेते का काम ज्यादा कर रहे हैं जी, पुल का कम कर रहे हैं इसमें जी, रेत ज्यादा निकलवाते हैं ये और उसको बेच रहे हैं। देखिए, माइनिंग से क्या है, नदी अपना रास्ता बदलती है, अगर रास्ता बदलेगी तो पुल की अप्रोच को, जो हम मिट्टी की अप्रोच होती है, कल को पानी वहां भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर हमें लगता है कि माइनिंग नजदीक हो रही है तो हम समय समय पर माइनिंग विभाग को सूचित करते रहते हैं कि वो नजदीक हो रही है, उसको दूर करवाए। देखिए, लोगों ने कंसेंट खुद दी थी, ई भूमि पर अपलोड की थी कि वो निःशुल्क भूमि को देना चाहते हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भी हमें फ्री में नहीं लेंगे, हम कलेक्टर रेट पर खरीदेंगे। तो कलेक्टर रेट की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दी थी, जिसमें से हमने आपको बताया कि 30 एकड़ हमने परचेज करनी थी, 24 कर चुके हैं, बाकी जो 6 एकड़ है उनको भी हम निरंतर उन लोगों के संपर्क में है कि वो आगे आए और जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराएं, ताकि हमें उस काम को